अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां पर इंडी गठबंधन उसकी मुश्किलें बढ़नी बढ़नी तय है, वहीं पर दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से मैदान में उतरे कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। पूरी तरह से कन्हैया कुमार के सामने बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, उसे आगे हम बताएंगे। लेकिन आप जान लें कि कन्हैया कुमार दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी संयुक्त रूप से कन्हैया कुमार को लड़ा रही है चुनाव। कन्हैया कुमार जब मैदान में उतरे तो उसके बाद वहीं से बवाल शुरू होना शुरू हो गया, वहीं से कांग्रेस में आपस में सिर फुटवल शुरू हो गया और इसकी स्थिति ये हो गई कि पूरी तरह से दिल्ली में जो कांग्रेस की निचली इकाई है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई। तो यानी कन्हैया कुमार जहां पर भी जाते हैं, जिस जगह पर भी जाते हैं, वहां बर्बाद करके ही आते हैं, वहां जड़ समाप्त करके आते हैं। तो कहा जाए कि कन्हैया कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस की जड़ पूरी तरह से समाप्त कर दी है तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार जब पहुंचे तो दिल्ली में प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, इन दोनों में बवाल मचा, भूचाल मची, मारपीट तक की नौबत आई। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ गए। इसकी स्थिति ये हुई कि अरविंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब राहुल गांधी तमाम ऐसे नेताओं ने नहीं मनाया तो अरविंदर सिंह भाजपा में शामिल हो गए। तो ये सारी करतूत किसकी थी? ये सारी करतूत कन्हैया कुमार की। यानी कन्हैया कुमार जब मैदान में उतर रहे हैं तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस को छोड़कर भाग जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कन्हैया कुमार को चुनाव कैसे दिल्ली में लड़ाया जा रहा है, कैसे कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं। ना कांग्रेस के कार्यकर्ता कन्हैया कुमार को सहयोग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं। तो कन्हैया कुमार पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए। अब कहिए कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। अब जब एकदम से करीब चुनाव है तो ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो खड़ी हुई वो अरविंद केजरीवाल, वो जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद वो चुनाव प्रचार में कूदेंगे और कूद भी गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी तरह से नहीं चाहेंगे कि कन्हैया कुमार उनके सामने खड़े हों, उनकी मजबूत स्थिति हो, कन्हैया कुमार तेज तर्रार भाषण दे, कन्हैया कुमार ऐसे बने कि जिससे उनकी पार्टी में यानी कांग्रेस में बड़ी पकड़ मजबूत हो। अगर कांग्रेस में मजबूत पकड़ होगी तो कन्हैया कुमार फिर दिल्ली में पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे, और दिल्ली में अगर स्थापित हो जाएंगे तो फिर कन्हैया कुमार मुश्किल पैदा कर देंगे केजरीवाल की। तो इसलिए केजरीवाल नहीं चाहते किसी भी तरह से मजबूत स्थिति में कन्हैया कुमार दिल्ली में रहें। वो अन्य जगहों पर, अन्य राज्यों में, बिहार में और अलग राज्यों में कहीं पर भी मजबूत स्थिति में हो जाएं, लेकिन दिल्ली में तो किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहेंगे कि कन्हैया कुमार की स्थिति बहुत मजबूत हो। जब दिल्ली में केजरीवाल संजय सिंह को बर्दाश्त नहीं कर सकते, केजरीवाल अन्य अपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कन्हैया कुमार को कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे सहन करेंगे। हालांकि कन्हैया कुमार ने चालाकी की और कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार के समय, प्रेस वार्ता के समय केजरीवाल की जमकर तारीफ की, बड़ाई की, और इसका भी खामियाजा उन्हें हालांकि भुगतना पड़ा। तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नाराज हो गए कि केजरीवाल ने कांग्रेस को जमकर गाली देने का काम किया था, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया था, तो फिर केजरीवाल की कैसे तारीफ कन्हैया कुमार कर रहे हैं। उन्हें अगर तारीफ करनी थी तो राहुल गांधी की करनी चाहिए थी, सोनिया गांधी की करनी चाहिए थी। तो ये बात तो एकदम सही है कि कन्हैया कुमार अगर तारीफ करते तो अपने नेता की, लेकिन वो केजरीवाल की तारीफ कर गए। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल ये समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि कन्हैया कुमार इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जो सबसे ज्यादा पकड़ है, कांग्रेस से भी ज्यादा अगर किसी की पकड़ है तो वो आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी के नेता यानी केजरीवाल की अगर तारीफ करेंगे तो आम आदमी पार्टी का वोट जो है वो कन्हैया कुमार को मिलेगा, कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा और कन्हैया कुमार की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन अब जब फुल फॉर्म में केजरीवाल आ चुके हैं तो वो कन्हैया कुमार को किसी तरह से छोड़ेंगे नहीं। हो भी सकता है,
ये भी केजरीवाल इतने दिमाग के, इतना षड्यंत्र रचने में माहिर हैं, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर साफ तौर पर केजरी ये कह दे किसी भी तरह से कन्हैया कुमार जीतने नहीं चाहिए, किसी भी तरह से कन्हैया कुमार को वोट आम आदमी पार्टी का कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें नहीं मिलना चाहिए, कन्हैया कुमार के सपोर्ट में कोई भी कार्यकर्ता नहीं लगे। केजरीवाल ये कह सकते हैं कि हो हल्ला खूब करो, चिल्लाओ खूब, ऐसा लगे कि पूरी आम आदमी पार्टी कन्हैया कुमार के साथ है, लेकिन खबरदार कोई भी वोट नहीं करना और ना ही जनता के बीच में ये कहना कि कन्हैया कुमार को वोट दो। तो साफ तौर पर यह पता है कि केजरीवाल के रिहा होने के बाद कन्हैया कुमार का प्रचार जोर शोर से नहीं होगा, कन्हैया कुमार बहुत एकदम से तुर्रम खा बनने वाले नहीं, कन्हैया कुमार का यदि कुछ होना है तो निश्चित तौर पर ये मानिए नुकसान ही होना है।